खबर रामपुर बघेलान के अंतर्गत है, जहां पर ऐसे कई ग्राम पंचायतों में आदिवासियों का है, जहां कई वर्षों से अपने मकान तो बना लिए लेकिन उनके रहने का ठिकाना पट्टा नहीं मिला। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जगह जगह घोषणाएं कर रहे हैं कि रहने का मकान, रहने का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन रामपुर बघेलान के आदिवासी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 20 वर्षों से लगातार जगह जगह चक्कर काट रहे हैं। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पूंजीपति लोग राजनीतिक दबाव या गुंडागर्दी के दम पर आदिवासियों को डरा धमका कर वहां से भगा कर कब्जा कर लिए हैं, अपना उद्योग धंधा चालू कर लिए हैं। उन पर ना तो कार्रवाई की गई और लोग भी अपना मकान बनाए हुए बैठे हैं। उनको डराया धमकाया जा रहा है और ना ही सरकार ना ही प्रशासन इन गरीबों को ध्यान दे रही है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी वर्ग के सैकड़ों लोग महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय में नागेंद्र सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जल्द ही कार्यवाही कर इनको आवास पट्टा दिलाए जाने की मांग रखी है। हम गरीब लोग 20 साल से बसे हैं, हमारे लोगों को कुछ परेशानी है जो तक कोई नहीं देख रहा है, तो ये परेशानी लेके हम आए हैं आज संत जी के पास। तो ये हमारा निवेदन हो कि हम लोग कुछ इसका आशा पाए। क्या चीज़, क्या मांग? पट्टा मांग रहे हैं हम लोगों का। आज 20 साल से घर बना हुआ है, अभी तक ना तो कोई अधिकारी वहाँ देखा है ना सुना है क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को भी पट्टा मिल जाए और वहाँ जाकर इंक्वायरी देखें ताकि क्या है क्या नहीं है। रामपुर बघेलान के ग्राम पंचायत जनार्दनपुर का मामला है। जनार्दनपुर पंचायत में आज 20-25 वर्ष पहले से जो है तो वहाँ के आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश शासन की आराजी पर घर बनाकर मरैया बनाकर निवास कर रहे हैं, किंतु आज 20 वर्ष गिर जाने के बावजूद भी इन गरीबों को पट्टा नहीं मिला है। तो मैं इन सब लोगों को लेकर आज आया हूं और रामपुर बघेलान के अनुविभागीय अधिकारी जी को मैं ज्ञापन दिया हूं कि संबंधित विभाग के माध्यम से वो उस स्थिति में जाएं और देखें कि कौन कौन व्यक्ति वहां पे काबिज है। जो व्यक्ति काबिज है उस व्यक्ति को उस जमीन का, उस घर का मालिकाना हक पट्टा दिया जाए।